रोहित शेट्टी की जिस सीरीज का हम लोगों को वेट था वो सीरीज फाइनली अमेजोन प्राइम पे आ चुकी है। जिस सीरीज की हम बात करें वो सीरीज है इंडियन पुलिस फोर्स। ऑफिसर्स, इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस्ट हु बॉम्ब्स। इस सीरीज का जो ट्रेलर था उसका रिव्यू हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीरीज की बात करते हैं। ये सीरीज मैं देख चुकी हूँ। बाकी ये सीरीज कैसी है, देखने लायक है या नहीं है वो जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर करना। इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है दिल्ली में हो रहे टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर। इस सीरीज में आप देखोगे कि दिल्ली की कुछ जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो टेररिस्ट है, उनको पकड़ने का जिम्मा है दिल्ली पुलिस के ऊपर। ये जो स्टोरी है ये सुनने में बिल्कुल भी यूनिक नहीं लग रही, एकदम कॉमन सी स्टोरी है। ऐसी और भी मूवीज होंगी इस तरह की, उसमें आपने स्टोरी देखी होगी। खैर, इस सीरीज में जो पुलिस वाला रोल है वो प्ले करा है विवेक ओबरॉय, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी ने। अब आगे सीरीज में क्या होता है, क्या ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या नहीं, वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है। हर एपिसोड 30 से 40 मिनट जितना लंबा है, लेकिन इस सीरीज की जो सेकंड एपिसोड और फोर्थ एपिसोड है वो थोड़े लेंदी हैं, वो तकरीबन 40 से 50 मिनट्स के हैं। ये तो थी इस सीरीज की स्टोरी की बात, जो सुनने में बिल्कुल भी यूनिक नहीं लग रही, एकदम कॉमन सी स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं और सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, मे बी वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट मिल जाए। इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो ठीक है। इस सीरीज का जो प्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली बात है रोहित शेट्टी का प्रेजेंटेशन है तो वो तो अच्छा होना ही था। इस सीरीज का जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी है। जो फाइट सीन्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। इस सीरीज में कुछ ड्रोन शॉट्स हैं, मतलब आप इस सीरीज में देखोगे हर एपिसोड में एक या दो ड्रोन शॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो स्टार्टिंग में देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीरीज एंड होने लगती है आप उन शॉट्स से बोर होने लगोगे। साथ ही में इस सीरीज की जो कलर ग्रेडिंग है वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों इस सीरीज को ऑरेंज और येलोइश कलर ग्रेडिंग पे प्रेजेंट किया गया है। ये जो कलर ग्रेडिंग है एक टाइम के बाद ना आंखों को चुभने लगती है, बड़ी इरिटेट करने लगती है। तो ये जो कलर ग्रेडिंग का लॉजिक है वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो अगर ओवरऑल देखें जो इस सीरीज का डायरेक्शन है, मतलब रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन है वो ठीक है, लेकिन इस सीरीज के जो फाइटिंग सीन्स हैं, जो कार चेजिंग सीन है, वो जो कार स्टंट्स हैं, कारों का उड़ना और जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम आगे बढ़े और सीरीज में एक्टिंग की बात करें तो पता नहीं क्यों एक्टर्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने फोर्सफुल एक्टिंग करी हो। विवेक ओबरॉय ने इस सीरीज में सोसो एक्टिंग करी है। शिल्पा शेट्टी ने इस सीरीज में जो उनके एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे करे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा है। अगर हम ओवरऑल कास्टिंग की बात करें तो इस सीरीज की जो कास्टिंग है कुछ खास अच्छी नहीं है और ये रोल्स इन तीनों पे बिल्कुल भी नहीं जच रहे। अगर सीरीज की स्कोरिंग की बात करें तो मैं सीरीज को स्कोर करूँगी 2.5 out of 5, क्योंकि ये सीरीज मुझे बिल्कुल ही एवरेज सीरीज लगी। लेकिन इस सीरीज में जो फाइट सीन्स हैं, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन्स हैं, जो कार स्टंट्स हैं, केवल वही अच्छे लगे हैं। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपको थोड़ी सी एब्यूसिव लैंग्वेज सुनने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीट सीरीज है, कोई वल्गैरिटी नहीं है। आप फैमिली के साथ इस सीरीज को बैठकर देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लोग रोहित शेट्टी के फैन हैं या फिर आपको एक्शन सिक्वेंसेज देखना पसंद है तभी यह सीरीज आपको पसंद आएगी। क्योंकि इस सीरीज के ट्रेलर देखने के बाद जो एक्साइटमेंट थी वो इस सीरीज के फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड देखने के बाद खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही सीरीज को देखना, लेकिन ये सोच कर कि रोहित शेट्टी की सीरीज है तो बहुत अच्छी होगी ऐसी कोई उम्मीद इस सीरीज से मत रखना। बस हाँ, अच्छी बात यह है कि रोहित शेट्टी अपनी सीरीज को OTT के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। अगर नहीं लाते तो इस सीरीज की मूवी बनती और ये पक्का थिएटर्स पर आती। फिर इस मूवी को देखने आप लोग थिएटर्स पर जाते और तब आपका टाइम तो वेस्ट होता होता, साथ में मनी भी वेस्ट होता, क्योंकि ये सीरीज थिएटर मटीरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज की जो एंडिंग है उसको ओपन रखा गया है, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे इस सीरीज का सेकंड सीजन भी आ सकता है। खैर, वो तो बात की बात है, फिलहाल आप लोग अभी सीरीज को देखो, एंजॉय करो। और आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट करके बताना, और आगे ऐसी और रिव्यू वीडियोज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।